हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मंगलम रसोई पे। जैसा कि आपको मालूम है कि होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें हम गुजिया बनाते हैं। तो हमको किस तरीके से बनानी चाहिए जो हमारी गुजिया खस्ता करारी और बहुत डिलीशियस बने, जिसको कि हम इंजॉय करें तो वो बहुत अच्छी लगे। आज हम बना रहे हैं गुजिया। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये आधा कप मैंने ये मावा लिया है, खोआ, जो कि मैं अब इसको थोड़ा सा ये देखिए खोआ भुन चुका है, ये ब्राउन हो गया। देखिए खोआ कितना अच्छा है कि इसमें देखिए कितना घी है। ये मेरा खोआ भुन चुका है, अब मैं इसको निकालती हूँ। एक चम्मच घी लेंगे, ये हमने ले लिया एक चम्मच घी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने एक चम्मच लिया है पिस्ता कटा हुआ, एक चम्मच मैंने लिया है ये काजू, मैंने बादाम, एक चम्मच मैंने लिया है चिरौंजी। इसको हमको भूनना है घी में। ये घी में इसलिए भून रहे हैं जिससे कि ये हमको अगर ज़्यादा दिन भी रखनी पड़ जाए तो ये गुजिया सबसे पहले अंदर से ही ख़राब होती है। इसके जो स्टफिंग होती है वही अगर कच्चा रह जाता है, भुनता नहीं है, तो वहीं से फंगस लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम इसको अब भून रहे हैं। ये देखिए ये मेरे ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। अब इसी के साथ में मैं डालती हूँ इसमें ये मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था गिरी गोला, ये भी मैं डाल रही हूँ। 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। सारे भून चुके हैं, अब इसको भी मैं एक अलग करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको भूनना ज़रूरी है, अगर वैसे ही कच्चा डाल देंगे तो गुजिया कुछ ही दिन में अंदर से फंगस लगने लग जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इसको घी थोड़ा सा डाल के और इसमें आप ये सब भून सकते हैं। अब ये मैं निकालती हूँ। अब इसमें हम फिर एक चम्मच घी लेंगे। इसमें हमको ये मैंने एक कप छोटा वाला लिया हुआ है, मैंने सूजी ली है, ये मेरे को अब इसमें भूननी है। ये भी अच्छे से भूननी है, कच्ची ना रह जाए। गुजिया में सबसे पहले स्टफिंग ही तैयार करके रखनी चाहिए, फिर उसके बाद का स्टेप ज़्यादा नहीं होता है। ये देखिए सूजी भी अब हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है, ये भी मैंने देसी घी में भून लिया है। इसको भी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। ये देखिए सूजी भून गया है अच्छे से, ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जब तक हमारा जो स्टफिंग है ये ठंडी होगी तब तक हम इसके आगे की तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने ये 2 कप मैदा ली हुई है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे अब इसमें 2 चम्मच घी डालना है। ज़्यादा कड़ा भी इसका डो नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, इसका बीच का होना चाहिए, तभी गुजिया अच्छी बनती है। अगर इसमें आपको लगे ये मोमन जो आप डाल रहे हो, अगर आपको इसमें कम लगे तो इसमें और भी डाल सकते हैं। देखिए अब इसमें ये थोड़ा सा कम है, अब मेरे को इसमें थोड़ा सा मोमन और डालना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से बाइंड नहीं हो पा रही है। अब हम इसको बाइंड करके देखते हैं। ये देखिए मैंने इसमें इतना घी लिया है,
आप इसको करके दे जब बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अब ये मरने वाला जैसा हो गया ना। अब हमने इसको इस मोमन को अच्छे से मिला लिया है। इसमें मोमन जो आप डाल रहे हैं वो भी देसी घी का ही डालिएगा, या फिर अगर नहीं हो तो वनस्पति घी भी डाल सकते हैं इसमें, बस घी ही लीजिएगा क्योंकि रिफाइंड में थोड़ा सा स्मेल सा आता है तो फिर इसको बनाने में और इसको इस खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा टेस्ट। ये देखिए अब अच्छे से बाइंड अप हो रहा है, ये अब बिल्कुल सही तरीके से इसमें मोमन हो चुका है, अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके लिए हम थोड़ा सा हमने ये लिया है पानी जो लिया है वो हमको थोड़ा थोड़ा डालना है, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा पानी को क्योंकि इसमें घी डला हुआ है, तो ठंडा पानी अगर लेंगे क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं आई है तो वो लेंगे, तो इस वजह से इसमें इसमें गुठले से पड़ सकते हैं, मैदा एक जगह इकट्ठी हो सकती है। आपको इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको करना है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है और इसी तरीके से आपको इसको गूंदना है। वो बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। अब हम इसके लिए इसको क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, इसको बंद करके रखते हैं। ये हमारा तैयार हो गया सॉफ्ट सा डो इसका, देखिए कितना बढ़िया है, बढ़िया एकदम। ये देखिए अब इसका ये तैयार हो चुका है, अब मैं इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने जो स्टफिंग बनाई है अब इसको मैं एक कटोरे में इसको खला लूँगी। ये मैंने इसमें खला लिया है इसको पिसी हुई चीनी, अब इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ ये थोड़ा सा इलायची पाउडर खुशबू के लिए, जिससे इसमें बढ़िया एक खुशबू आ जाए। ये देखिए मिक्स कर दिया है इलायची पाउडर डाल के इसमें, ये देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने इसका आधा डो ले लिया है, अब मैं इसको इजीली एक साइज में इसको काटती चली जाऊंगी। ये देखिए अब हमने इसको ये काट लिया है, अब इसके बाद हम इसको धीरे से बेलना शुरू करते हैं। ये आपको बेलना है, बेलने का आपके आपके पास जो भी सांचा हो या आप हाथ से बनाते हो तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं, आप इसकी पूड़ी को बड़ा या वो कर लेते हैं। इसका पूड़ी भी जो है ना वो थोड़ा सा पतला होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मैं इसी तरीके से और भी मैं कर ले रही हूँ, देखिए मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ। अब आपको जितनी बड़ी बनानी हो, जितनी बड़ी अगर आप हाथ से बनाते हैं या इसके सांचे में बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पूड़ी बेलनी पड़ेगी। ये देखिए ये पीतल का सांचा है, ये बहुत दूर से मंगवाया था 22 साल पहले, जो कि मेरे हर साल होली में निकलता है, इसमें काम होता है फिर उसके बाद रख दिया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको ग्रीसिंग कर लेंगे हल्का सा, हमने इसको कर लिया है। अब हम इस पर डालते हैं ये पूड़ी और ये भरेंगे, इसको थोड़ा सा आपको झुका के रखना है जिससे ये, सबसे पहले इसमें लगाना है पानी, इसको चिपकाने के लिए आपको हल्का हल्का सा इसमें पानी लगाना है। उसके बाद जो ये हमने स्टफ बना के रखा हुआ है अब इसको हमको इसमें भरना है।
ये गुजिया इसका सांचा बड़ा है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा भर रही हूँ ये, और ये करके आहिस्ता से आपको इसको बंद कर देना है, और जितना भी ये एक्सेस वाला मैदा है इसको आपको निकाल देना है। और उसके बाद ये देखिए फैंटास्टिक गुजिया। तो ये देखिए मेरी गुजिया ये तैयार हो गई है, ये मैंने बना के ऑलरेडी रख ली है, मैंने आपको बताई थी। अब उसके बाद अब मैं गैस ऑन करती हूँ। देखिए यह घी गर्म हो चुका है, ये मैंने छोटा सा मैदे का ये डाल के देखा, ये देखिए। अब मैं डालती हूँ इसमें गुजिया, आहिस्ता से आप डालिएगा। देखिए इसमें ज़्यादा बबल्स नहीं है, इसकी जो कंसिस्टेंसी जो है मैदा मारने की, इसमें जितना मोमन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है, और आपको बस आहिस्ता आहिस्ता से इसको आपको सेकना है। ये सबसे पहली चीज़ तो इसमें की है कि जो हमने स्टफिंग इसमें भरा है वो हमने भून के भरा है, जो कि हमारा लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, वो ख़राब नहीं होगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा। और दूसरा जो ये हमने बनाया है इस तरीके से, इससे क्रिस्पी भी रहेंगी, तो वो जब तक टाइट नहीं होगा तब तक गुजिया में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ये देखिए फैंटास्टिक तरीके से ये सिक रही है, बढ़िया, कहीं इसमें ज़्यादा बबल्स भी नहीं है, और आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हैं। धीरे धीरे गोल्डन होने लगी है, गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ रहा है, ये सिक रही है। आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, मैंने उसमें दो दो ढाई ढाई चम्मच मैंने इसमें इसका स्टफिंग मैंने भरा था इसमें, जो कि गुजिया जब तक भरी हुई ना हो तो मज़ा नहीं आता गुजिया खाने का। तो गुजिया में जब तक अच्छे से अंदर का जो स्टफिंग आप भरते हैं, मसाला भरते हैं, वो जब तक अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे अच्छा लगेगा गुजिया। तो उसका टेस्ट प्रॉपर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। आप भी अगर इसी मेथड से आप बनाएंगे ना तो आपका बहुत अच्छा गुजिया बनेगा, और आप भी सब लोग कहेंगे कि ना ये थोड़ी सॉफ्ट है ना ये बहुत ज़्यादा कड़क है, बहुत क्रिस्पी सी, बहुत अच्छी सी लाइट लाइट ब्राउन आप सेकेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। और इसका स्टफिंग अंदर से जो है वो ख़राब होने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको ज़्यादा दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेरे मेथड से आप बनाइए और बना के फिर खाइए, और खाने के बाद फिर आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो ये लीजिए हमारी खस्ता परफेक्ट बनी हुई गुजिया। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें स्टफिंग कितनी बढ़िया बनी हुई है, अंदर भरी हुई है, काफ़ी सारी मैंने भरी थी, फैंटास्टिक, कितनी क्रिस्पी सी बनी है देखिए आप। ये भी तो अगर आपको मेरी ये गुजिया अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप बनाइए और बना के खाइए, खिलाइए, और फिर प्लीज़ 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 कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।